हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्रो अप पाठशाला। मैं मायला खान आज फिर आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ। आज हम बात करने वाले हैं फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस के बारे में, मतलब डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी के बारे में। यहाँ मैं आपको बता दूँ, डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। LIS से रिलेटेड आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें ज़रूर 2-3 क्वेश्चन डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी से रिलेटेड पूछे जाते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी के लाइफ इंट्रोडक्शन के बारे में, एजुकेशन, करियर एंड बुक्स, जो भी बुक्स अब तक उनके थ्रू पब्लिश हुई हैं या फिर जो भी बुक्स उनके द्वारा पब्लिश की गई हैं वो सब आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। वीडियो से रिलेटेड कोई बात होती है, कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और इससे रिलेटेड मतलब LIS से रिलेटेड कोई और टॉपिक पर अगर आप वीडियो बनवाना चाहते हैं तब भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारा टॉपिक है डॉक्टर एस आर रंगनाथन लाइफ इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम सबसे पहले जानेंगे कि डॉक्टर एस आर रंगनाथन का पूरा नाम क्या था। तो देखिए, डॉक्टर एस आर रंगनाथन का पूरा नाम शाली रामामृता रंगनाथन था। उनके पिताजी का नाम रामामित्र अय्यर था, लेकिन यहाँ जो रामामृता जो शब्द है, डॉक्टर एस आर रंगनाथन के जो नाम में रामामृता जो शब्द आया है वो उनके पिताजी के नाम से लिया गया था। उनका नाम उनके पिताजी के नाम पर रखा गया। उनकी माताजी का नाम सीता लक्ष्मी अम्माल था। पिछले कुछ एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी का नाम किसके नाम पर रखा गया था। तो देखिए, डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी का नाम उनके पिताजी के नाम पर रखा गया था। उसके बाद इनका जो जन्म है वो 12 अगस्त 1892 में श्याली मद्रास में हुआ था, और इनकी जो मृत्यु है वो 27 सितंबर 1972 मतलब 1972 में बेंगलोर में हुई थी। इसके बाद इन्होंने अपने जीवन में 2 शादियां करी हैं, जिसमें पहली पत्नी का नाम रुक्मिणी है और दूसरी पत्नी का नाम शारदा। यहाँ हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी को 1957 में पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया था। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा चुका है कि 1957 में डॉक्टर एस आर रंगनाथन को किस अवार्ड से नवाजा गया था। तो भाई, इसका आंसर है पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया था। और सेकंड पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी के जन्म पर यानी 12 अगस्त को नेशनल लाइब्रेरियंस डे सेलिब्रेट किया जाता है। ये डॉक्टर एस आर रंगनाथन की याद में सेलिब्रेट किया जाता है। और 12 अगस्त हमारा नेशनल लाइब्रेरियंस डे है। ये भी हमें क्वेश्चन में पूछा जाता है कि लाइब्रेरियंस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो 12 अगस्त लाइब्रेरियन डे सेलिब्रेट किया जाता है, और किसकी याद में किया जाता है, तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी की याद में किया जाता है। लेकिन इसी के साथ हम नेशनल लाइब्रेरी वीक भी सेलिब्रेट करते हैं जो 14 से 20 नवंबर के बीच में होता है, लेकिन उसका जो रिलेशन है उसका बिल्कुल भी डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी से नहीं है। लेकिन ये डेज की बात हो रही है, इसीलिए मैं इस टॉपिक को यहाँ लेकर आई हूँ, क्योंकि यहाँ बच्चे बहुत कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। ये देखिए, लाइब्रेरियंस डे है और वो लाइब्रेरी वीक है, ठीक है, आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। नेशनल लाइब्रेरी वीक ये जो एस्टैब्लिश किया गया है ये इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा 1968 में एस्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। जब ही से 14 से 20 नवंबर के बीच में नेशनल लाइब्रेरी वीक मनाया जाता है। अब हम बात करते हैं डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी की एजुकेशन मतलब शिक्षा के बारे में। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, 1897 से 1908 तक उन्होंने स्कूलिंग मतलब अपनी जो प्राथमिक शिक्षा है वो SM हिंदू हाई स्कूल श्याली से प्राप्त की है। उसके बाद 1909 में उन्होंने मैट्रिकुलेशन किया। उसके बाद 1913 में उन्होंने BA किया मैथमेटिक्स में। 1916 में उन्होंने MA किया मैथमेटिक्स में। 1917 में टीचर्स कॉलेज सैदापट से उन्होंने प्रोफेशनल टीचिंग सर्टिफिकेट प्राप्त किया। उसके बाद 1924 में वह इंग्लैंड गए और वहाँ ऑब्जर्वेशन टूर किया स्कूल ऑफ लाइब्रेरियनशिप यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन। वहाँ से उन्होंने प्रैक्टिकल वर्क एक्सपीरियंस लिया और जुलाई 1925 में इंडिया वापस आ गए। अब हम बात करेंगे डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी के करियर के बारे में। तो यहाँ हम बात करेंगे सबसे पहले 1970 से 1921, 1917 से 1921 तक डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी ने गवर्नमेंट कॉलेज में एज एन असिस्टेंट लेक्चरर वर्क किया। उसके बाद 1921 में इन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज ज्वाइन किया मद्रास में और वहाँ एज असिस्टेंट प्रोफेसर मैथमेटिक्स वर्क किया। उसके बाद 4 जनवरी 1924 को डॉक्टर एस आर रंगनाथन को फर्स्ट यूनिवर्सिटी लाइब्रेरियन अपॉइंट किया गया। 1945 से 1947 मतलब 1945 से 1947 तक BHU वाराणसी में यूनिवर्सिटी लाइब्रेरियन और असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ लाइब्रेरी साइंस वर्क किया।
करियर से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, जैसे डॉक्टर एस आर नाथन को फर्स्ट यूनिवर्सिटी लाइब्रेरियन कब बनाया गया, या फर्स्ट यूनिवर्सिटी लाइब्रेरियन किसको बनाया गया है ना, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं डॉक्टर एस आर नाथन के करियर से रिलेटेड। अब हम बात करेंगे डॉक्टर एस आर नाथन की कुछ प्रमुख पुस्तकों के बारे में और उनके पब्लिकेशन ईयर की वो कब पब्लिश की गई थी। तो यहाँ हमारी फर्स्ट बुक है द फाइव लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। द फाइव लॉज हमारे लाइब्रेरी साइंस के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा मतलब ये मान लीजिए रीढ़ की हड्डी है लाइब्रेरी साइंस की, ये सारा पूरा लाइब्रेरी साइंस इसी पर बेस्ड है और इस पर हमने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट बुक थी हमारी द फाइव लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस जिसको 1931 में पब्लिश किया गया था। कोलन क्लासिफिकेशन जिसे 1933 में पब्लिश किया गया था। कोलन क्लासिफिकेशन का फर्स्ट एडिशन 1933 में आया था, सेकेंड एडिशन 1939 में, थर्ड एडिशन 1950 में, फोर्थ एडिशन 1952 में, फिफ्थ एडिशन 1957 में, और उसके बाद लास्ट इसका आया है 1960 में। ऐसे इसके छः एडिशन आए हैं। थर्ड बुक है हमारी क्लासिफाइड कैटलॉग कोड जिसे 1934 में पब्लिश किया गया था। नेक्स्ट बुक है हमारी प्रोलॉगे मेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, इसका फर्स्ट एडिशन 1937 में आया, सेकंड एडिशन 1957 में, और थर्ड एडिशन आया 1967 में। उसके बाद हमारा नेक्स्ट बुक है हमारी क्लासिफिकेशन एंड कम्युनिकेशन जिसे 1951 में पब्लिश किया गया। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंटेशन जेनेसिस एंड डेवलपमेंट जिसे 1973 में पब्लिश किया गया। नेक्स्ट है हमारी रेफरेंस सर्विस जिसे 1961 में पब्लिश किया गया। नेक्स्ट है हमारी लाइब्रेरी बुक सिलेक्शन जिसे 1952 में पब्लिश किया गया, इसका भी सेकंड एडिशन 1966 में आया था। डॉक्टर एस आर नाथन ने अपने जीवन में बहुत सी किताबें लिखी हैं और उनको पब्लिश भी करवाया है, लेकिन हमने यहाँ कुछ प्रमुख पुस्तकें की ही चर्चा की है जिनके बारे में अब तक एग्जाम में पूछा जा चुका है। इस वीडियो में इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। ग्रो पाठशाला ऑलवेज फॉर यू, ऑलवेज विद यू, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।